भाई उरा एक तांत्रिक थो, तांत्रिक विद्या जाना करतो और एशिया के अंदर सबसे खतरनाक तांत्रिक मानो जाया करतो, और वो थो उरे भानगढ़ के अंदर। सामने जा रहा है भानगढ़ का किला, जूम करके दिखा दे भाई अपने, ये सामने है भानगढ़ को किलो। जिंद बाबा से लोग मांगते थे खाने की मिठाइयाँ, सिगरेट पीने के लिए वगैरह, तो जिंद बाबा नीचे से उस गुफा में जाता था और थाल भर भर के लेके आता था। ये तो हकीकत है, बहुत लोगों ने खाए भी हैं भाई। भानगढ़ की दुकान में आवो, में चूड़ी ले लो, चप्पल ले लो, जूता ले लो। राम राम दोस्तों, मैं हूँ तारा दोस्त दीपक और आप देख रहे हो अभी अनटच व्लॉग। आज मैं आया हूँ भानगढ़ का किला के ऊपर। भानगढ़ को किलो तुमने बेरोई होगो, नाम भी सुनो होगो, अलवर जिला के अंदर पड़ा है और अलवर पड़ा है अपनों राजस्थान के अंदर। तो भाई अभी हम लोग भानगढ़ का किला के बाहर खड़ा हूँ अभी। तो यो किलो है भानगढ़ को, गेट की एंट्री है पूरे। तो गेट में आज देखो, आज शनिवार, तो शनिवार और रविवार में ना भीड़ मिले भानगढ़ का किला के अंदर, और मंदिर भी है तो मंदिर में लोग बाग आया कर अपने धोख धाक मारने के लिए, आरती उरती करने के लिए। तो यह जो दीवार देख रहा हो सामने, यह भानगढ़ का मेन गेट की दीवार है और आप अंदर चलांगा। तो भाई उरासा की एंट्री है, ये बड़ो सारो गेट बना रखो लोहा को, अंदर चलांगा, आ जाओ भाई। भानगढ़ किला की जो है ना टिकट 25 रुपये तो है कैश में और 20 रुपये है अपनी, और टिकट लेने के जस्ट बाद खड़ा हुआ हूँ मैं, और यही सही भाई बाउंड्री स्टार्ट हो जाती है, पूरा सा बाउंड्री स्टार्ट हो गया पूरे। देखो आप एक बार ये तो पूरी भाई कहानी जानांगा है पूरा भानगढ़ का किला की, भाई किस तरह यो उरे बसो थो और धीरे धीरे किस तरह यो उजड़ गो सारो को सारो, और किस तरह यो हॉन्टेड प्लेस बोलो जावे, सबसे ज़्यादा मोस्ट हॉन्टेड प्लेस भानगढ़ का किला। आ जाओ भाई मेरे साथ में, पूरा एक्सप्लोर करांगा बढ़िया तरीका से, देसी भाषा में, देसी तरीका से, और तगड़ी वीडियो होने वाली है भाई। वीडियो ने शेयर जरूर कर दियो, फटाफट से लाइक कर दियो मेहनत ने। आ जाओ भैया, किला का है ना थोड़ी सी हम आगे आगा, और उरा से ना दुकान वगैरह स्टार्ट हो जाया करती हूँ। उस टाइम पे दुकान थी सारी की सारी जो बिल्कुल खंडर हो गया टाइम पे। बाबा राम राम, ये दुकान थी ना पहला, पूरा बाबा बता रहे हो कि पूरी दुकान थी भैया उरे, और की कहानी है ना आप आगे जाना कि भैया किस तरह उसे पूरे बसो थो और कौन है ना उजाड़ो थो, तो सारी चीज़ जानांगा और आगे बढ़ता चलांगा धीरे धीरे। आ जाओ भाई, लंबी वीडियो होने वाली है यह वीडियो, लेकिन मैं तने पहले बता दूं कि दो पार्ट में वीडियो बनाऊंगा मैं, क्योंकि ज़्यादा बड़ो किलो है, एक पार्ट में नहीं बन पाऊंगी ढंग से, पूरी चीज़ नहीं बता पाऊंगा मैं, दो पार्ट में वीडियो बनाऊंगा। तो आ जाओ। तो भाई उरा को जो बाजार थो ना, वो बाजार उजड़ गो थो एक ही रात के अंदर भाई, एक रात में पूरा बाजार उजड़ गो थो। और ये जितनी भी भाई दुकान दुकान से देख रहा हो ना तुम, दीवार देख रहा हो या सारी बाजार की दीवार थी भाई, थोड़ा सा जूम करके दिखा दे है, तो ये सारी दुकान थी। एक बार उरिन देखो, यह दुकान थी, जैसे मान लो यह दुकान है, पूरा अंदर तक की दुकान थी, या एक दुकान है या दूसरी दुकान है, दो दुकान थी भाई उरे यार। और अंदर जाए के है यह भी, और उरे देखो एक यह जगह बना रखी है सामान रखने की, और पीछे ना पूरे कमरों से बना रखा है, मतलब पूरी प्रॉपर ऐसे दुकान बना रखी थी और बढ़िया थी। और पूरा देखो आप आगन है, यह पूरा भानगढ़ को किला की जो बाजार है ना, वो बाजार की दुकान थी, पीछा ने भी थी, और पीछा ने तो पूरा महल से बना रखो है, हवेली बना रखी है भाई, बहुत ज़्यादा बड़ो बाजार थो। और ऐसा मानो जावे कि एशिया का जो सबसे बड़ो बाजार था ना किला के अंदर, वो सबसे बड़ो यही थो। और उरे बढ़िया चूड़ियाँ वगैरह बिका करती थी, और भी बहुत सारे सामान थे, लेडीज़ वगैरह जितने भी सामान थे ना भाई, सारा सामान बिका करता उरे, और बढ़िया बाजार था। आसपास के गांव के अंदर का जितना भी लोग था वो सारा उरा से सामान लेकर जाया करता था। और अब धीरे धीरे आप चलांगा आगे की तरफ और सारी बात जानता हुआ चलांगा। तो भाई उरा से मैं तुमने सीन दिखाऊं बढ़िया वालों, मन खुश हो जाएगा तारो भी। उरिन देखो आप एक बार, ये दुकान थी अलग अलग, यह पूरी दुकान है, इतनी ऊँची बना रखी थी, आगे भी दुकान है भाई। उरा एक तांत्रिक थो, तांत्रिक विद्या जाना करतो, और एशिया के अंदर सबसे खतरनाक तांत्रिक माना जाया करतो, और वो थो उरे भानगढ़ के अंदर। तो धीरे धीरे बताऊंगा सारी कहानी। सामने जा रहा है भानगढ़ का किला, जूम करके दिखा दे भाई अपने, ये सामने है भानगढ़ को किलो, ये पूरी गैलरी सी बना रखी है, बीचों बीच रास्ता है, और साइड में दोनों तरफ है दुकान, ज़्यादा दुकान है ऐ साइड, राइट की तरफ है भाई, जो 16 हाथ में है ना, सारी दुकान दुकान बन रही है आगे। और भी धीरे धीरे सारी चीज़ दिखाऊंगा मैं। भानगढ़ को थोड़ा सा इतिहास बता दूं मैं तुमने, भानगढ़ के प्राचीन नगर की स्थापना आमेर के शासक राजा भगवत दास जी ने 16वीं सदी में उत्तराधार में की थी, जिसे बाद में राजा मानसिंह के भाई माधो सिंह की रियासत की राजधानी बना दिया गया। माधो सिंह मुगल सम्राट अकबर 1556-1605 ईस्वी के बीच की बात है कि दरबार में दीवान के पद पर कार्यरत थे। भानगढ़ के मुख्य अवशेषों में प्राचीन द्वार, बाजार, हवेलिया, मंदिर, शाही महल, क्षत्रिय मकबरा आदि सारी चीज़ बनी हुई है, ये पूरा इतिहास है। और उरे देखो आप एक बार, यह थी ऊँची ऊँची दुकान, अब ऊपर गेट बनवा रखो है,
बढ़िया गेट है और सामने आड़ा ही बना रखो है दिया दया रखने के लिए, कि रोशनी के लिए तो कुछ ना कुछ जुगाड़ करा करता उस टाइम पे। और उरे देखो यार नाली सी बना रखी है क्या पानी पुणी निकलने के लिए है। और ये दुकान का आगे को हिस्सा है, फिर बीच में एक दीवार बना रखी है, फिर आगे जाके फिर दोबारा एक हिस्सा, फिर आगे जाके दीवार, फिर आगे जाके गुड़, मतलब तीन पार्ट में एक दुकान ने बना रखी है। लगभग सारी दुकान सारी ऐसी है, पूरी दिखाऊँ मैं तुमने, मतलब देखो सारी दुकान पर पूरा गेट लगा रखा है। पीछे जो दुकान थी ना उन पर गेट नहीं था, लेकिन भाई साहब इनके सब दुकानों पर गेट बना रखा है और बड़ी शानदार लग रही है। और सोचने वाली बात है कि इतना बढ़िया बाजार और इतना बड़ा बाजार था वो ऐसा खंडर हो गया पूरी तरह से, और लगभग 400 साल पुरानी बात है ये, और उससे पहले ये एकदम जगमगा उठा था ये पूरा, और एक ही रात में पूरा बाजार ख़त्म हो गया था। भाई भानगढ़ की दुकान में आओ, मैं चूड़ी ले लो, चप्पल ले लो, जूता ले लो, आजा भी आगे आजा। तो डबल स्टोरी दुकान थी मेरे ख्याल से भैया वाली, क्योंकि जो अंदर आने के बाद है ना पैडी बना रखी पूरे, और आगे को हिस्सा थो, फिर गेट बना रखो थो, फिर आगे को हिस्सा थो, पूरे नीचे सामान रखने की जगह बना रखी थी है। और उसके बाद में यो अपनो शायद मेरे ख्याल से गोदाम टाइप में बना रखो थो, सारा सामान पूरे रखा करता है। यो हिस्सा लास्ट है, मतलब इतनी लंबी दुकान है, लगभग या 20 फुट से भी लंबी दुकान बना रहा करती थी। और देखो आप खुद सोच के देखो कि उस ज़माने के अंदर भी इतनी सारी दुकान लगातार, इतना बड़ा बाजार लगता था, आज के समय में भी इतना बड़ा बाजार लगातार नहीं लगता है ऐसे गाँव के अंदर, लेकिन उस समय ये गाँव इतना आबाद था, इतना ज़्यादा उजागर था, आप इस वीडियो से आप अंदाजा भाई लगा सकते। तो भाई अभी ऐ रास्ते से हम लोग आया था, पूरा बाजार देखता हुआ आया कि बाजार किस तरह सेटअप करे हुए थे उस समय, और अंदर की दुकान भी पूरी में अच्छा से दिखा दी है। और उरे ना हवेली वगैरह भी बनी हुई थी सामने, देख रहा हो आप एक बार, उरे जो महल छोटा सा हवेली सी बना रखी उरे, जो पूरी खंडर हो गई है। और भैया को जो इतिहास था ना वो इतिहास मैं तुमने बताऊँगा अभी, क्योंकि जो इसका इतिहास है वो भी एक अलग ही तरह का है। और इसके जो ये गाँव जो उजड़ा पूरा, ये जो भानगढ़ उजड़ा, कैसे उजड़ा, क्योंकि 10,000 लोग यहाँ पर रहा क्या करते थे 400 साल पहले। और भैया को इतिहास मैं नहीं बताऊँगा, क्योंकि जो उरा को निवासी है वह निवासी से आप बात कराँगा अच्छी दाम है, और उरा को इतिहास जानांगा। और जैसे सच्ची बात है उरा की, एक जिंद की बात है, जिंद की कहानी है, जिंद वाली बात भी शायद किसी वीडियो में नहीं देखी होगी तुमने, तो जिंद वाली बात भी तुम जानोगा ए वीडियो के अंदर, और उरा का निवासी की जुबान से। तो चलो इतिहास जानते हैं इस पूरे किले का। तो दोस्तों अभी हम लोग भानगढ़ के अंदर ही बैठे हुए हैं, भानगढ़ का जो गांव है उसके अंदर। एक बार बाऊजी मिले हमें, इनका नाम पूछेंगे और पूरी जो इनकी कहानी है भानगढ़ की वो भी यहाँ जानेंगे। तो सबसे पहले आपका शुभ नाम बताइए। मेरा नाम रामकिशन मीना है और ये अरावली गेस्ट हाउस है, जो भानगढ़ में टूरिस्ट लोग वगैरह आते हैं उनके लिए खाने पीने रहने की उत्तम व्यवस्था है, और मैं यहीं का रहने वाला हूँ लोकल। गाँव के अंदर ही एक ये है अरावली गेस्ट हाउस व रेस्टोरेंट, खाने पीने का और रुकने की सुविधा है यहाँ पर, तो गांव के अंदर ही पड़ता है ये। और या इसके जस्ट सामने भानगढ़ का फोर्ट है। तो एक बार इसकी कहानी जो है, मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, साथ ही जो इसकी रियल कहानियाँ हैं, जो सच्ची कहानियाँ हैं इसकी जो बताते हैं लोग, तो एक बार हमें पूरे डिटेल के साथ में बताइए सर। देखो ये इसको भगवान दास जो आमेर के शासक थे उनके बेटा माधो सिंह के लिए उन्होंने ये कैपिटल बनवाई थी भानगढ़ फोर्ट। जो माधो सिंह जो थे वो 1556 से 1605 तक अकबर बादशाह के यहाँ पे दीवान थे, तो उनके लिए ये फोर्ट था। और इसके बाद में ये उजड़ होने के बाद में जयपुर इसका मैप गया, जयपुर का जो बेस बनाया वो आगे जो चार दीवारी है पूरी, सांगानेरी गेट, अजमेरी गेट, घाट गेट, ये यहाँ पे भी हैं सब गेट हैं। अंदर काफ़ी अच्छे अच्छे सुंदर मंदिर हैं, अच्छी खासी ये कैपिटल थी, बहुत दूर मोड़ थी। एक अफगानिस्तान के बादशाह का मकबरा भी है यहाँ पे, उसकी सिर काट के लेके आया था यहाँ का राजा, उसकी यादगार में ये बनाया गया। किसका मकबरा है? अफगानिस्तान के बादशाह था उसकी, उसको बताते हैं उसकी याद में ये एक मकबरा बना हुआ है काफ़ी बड़ा, जो भानगढ़ फोर्ट में अपन आप एंटर करेंगे उसके लेफ्ट में ही वो बना हुआ है। और काफ़ी बाजा यहाँ के जो राजा थे लड़ाई के अंदर वो लेके आए थे, तो उसका ये बनाया हुआ है इस टाइप से। तो भाई हसली किला की जो शुरुआत है ना वह उरा से हो गए, पूरा इतिहास तो तुम जान लियो है उरा का शख्स की जुबानी, ठीक है। और अब सामने है तीन गेट इस पूरा भानगढ़ का किला का, एक यो गेट है, एक बीच में, एक उस तरफ है। मेन जो गेट है वो बीच वाला है, सबसे चौड़ो बीच वाला गेट है, पूरी दीवार बना रखी है, इतना शानदार बना रखो उरा, इतनी बड़े बड़ा पत्थर लगा के है, इतने मोटी मोटी दीवार चूना पत्थर के साथ में बना रखा है पूरा किला ने।
पूरे सार चीज लिख रखी है, किला के बारे में पूरी जानकारी दे रखी है, हमारी विरासत हमारा गौरव। तो भाई सबसे ज़्यादा इन्हें भूतिया पैलेस ऐली ही बोलो जावे, जो आप कहानी सुन लिया हो कि उरा तांत्रिक थो और जो रानी रत्नावती थी वह बहुत ज़्यादा सुंदर थी भाई, इतनी ज़्यादा सुंदर थी कि कोई भी उसके ऊपर भाई मोहित हो जावे, ऐसी सुंदर थी। तो तांत्रिक भी बिल्कुल मैंने पसंद कर लिया था कि हाँ भी अब तो है ना पाणो ही है। तो तांत्रिक विद्या का ऊपर चलाना चारो थो, लेकिन वह चली नहीं, पत्थर के ऊपर चल गई और वो पत्थर जाकर तांत्रिक ने उड़ा दियो, मतलब तांत्रिक ने मार दियो। तो तांत्रिक को जो शराप था ना वो पूरा गांव के ऊपर लगो कि भाई इस गांव के अंदर है ना कभी भी कोई भी शख्स बचेगा नहीं, जो भी रहेगा वो मरेगा। तो पूरा गांव उजड़ को रातों रात दुकान बंद होगी, रातों रात दुकान सारी खंडर होगी, पूरा बानगढ़ के अंदर जितना भी लोग था सब मरगा ए टू जड़, रानी के साथ साथ में रानी भी मरगी, क्योंकि वो ऐसा शराब दिया था कि अगर मेरी ना हुई ना रानी तो वह कहके भी नहीं होगी। तो ऐसा शराब मिलने का चक्कर में रानी भी मर गई और साथ में जो लोग था वो भी मर गया। फिर धीरे धीरे जो सारो किलो था वो सारो धीरे धीरे फूट गो, खंडर हो गए पूरा, और अब मेन जो किला की शुरुआत है ना उरास हो गया। पूरा बाजार देख लियो तुम, पूरा इतिहास जान लियो, अब चलाएंगे किला के